एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जहाँ पर फंक्शंस के टाइप हम देखेंगे, तो वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर भी जनरल समझ लीजिए, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेकंड इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ऐसे भी होगा। तो ये जो टेबल है ये डोमेन और रेंज की है। यहां पर हमने लिया है फंक्शंस को और यहां है डोमेन और यहां है रेंज। तो डोमेन रेंज क्या होता है ये भी हम डिस्कस फंक्शंस के अंदर करेंगे। तो अभी ये फिर हम आपको क्यों बता रहे हैं, अगर ये जानना है तो उसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी होती हैं, जो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये जो रेंज दिख रही है आपको ये प्रिंसिपल रेंज है। तो आपको ये डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। अगर यहाँ डोमेन याद नहीं है तब भी चलेगा, रेंज तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, क्योंकि जो फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज जो है इसके अंदर आना चाहिए। मींस जो आपका आंसर आएगा वो इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन है तो उसका आंसर आएगा तो इसी रेंज के अंदर आना चाहिए। कॉस इनवर्स का कोई फंक्शन है तो उसका आंसर इस रेंज के अंदर आना चाहिए। कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लाइक देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 है, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स जो 1/2 है साइन की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, साइन पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा अगर प्रिंसिपल रेंज के अंदर है तो यहां से वैसे थीटा लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां हमें मिलेगा पाई बाय 6। अब आपको ये चेक करना है कि जो आंसर आया है पाई बाय 6 आया है ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई कर रहा है या नहीं। तो प्रिंसिपल रेंज आपको दिख रही होगी -90 से, और प्लस का 90 है साइन थीटा के लिए, और यहाँ जो हमारा आंसर आया ये 30 डिग्री आया है, तो ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब आपका जो ये आंसर है ये करेक्ट आंसर है, पाई बाय 6 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अगर इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा होता तो हम जो क्वाड्रेंट्स के रूल्स होते हैं साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा या साइन 3π/2 माइनस थीटा, उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके यहाँ पर जो है प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर इसको लेके आते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे कॉस का लेते हैं हम, कॉस इनवर्स -1/2 है, ठीक है। अब कॉस की जो वैल्यू होती है 1/2 ये कहां पर होती है, कॉस पाई बाय 3 पर होती है, यानी कि 60 डिग्री पर होती है, ठीक है। अब अगर यहां से हम आंसर देखिए, जो माइनस साइन ये अंदर तो जा नहीं सकता डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे यहां पर कॉस माइनस थीटा जो है, कॉस माइनस थीटा यहां पर माइनस का कॉस थीटा है, तो माइनस का कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा जो है प्लस का कॉस थीटा होता है, तो हम माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा तो लिख नहीं सकते। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कॉस पाई माइनस थीटा का, कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो क्या होता है माइनस का कॉस थीटा होता है। तो यहां हमने इसे लिखा कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा पाई माइनस पाई बाय 3। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 2π/3। अब आपको देखना है इस इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो ध्यान रहे, याद करना है इस पूरी टेबल को आपको, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल रेंज क्या है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉस इनवर्स के लिए 0 to π क्लोज इंटरवल में, कॉसेक इनवर्स के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जो साइन के लिए बस 0 यहाँ पर डेज नोट लगा हुआ है, 0 वैल्यू इसमें कभी नहीं आती है। sec इनवर्स के लिए आपको यहाँ क्या करना है 0 to π माइनस पाई बाय 2 करना है, tan इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बट ओपन इंटरवल है, cot इनवर्स 0 to π है। तो ये आपको याद रखना है पूरा का पूरा टेबल।
वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की, ठीक है। अब मेरे दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल इंटरवल क्या है, रेंज क्या है प्रिंसिपल रेंज, तो मुझे याद आया कि भाई माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, माइनस 90 से प्लस 90 जो है रेंज साइन इनवर्स माइनस 1/2 की है। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमें पता है साइन 1/2 कब होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पर, मींस साइन पाई बाय 6 पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है। इसलिए मैंने यहाँ 1/2 की जगह क्या लिख दिया, साइन पाई बाय 6। चाहे तो हम साइड में यहाँ लिख सकते हैं, सिंस साइन पाई बाय 6 मींस साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। अब यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो उस माइनस का क्या करें, तो माइनस से हमें याद आया कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस का साइन थीटा होता है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, साइन माइनस का पाई बाय 6 हो जाएगा। तो आपको देखना ही है कि क्या माइनस पाई बाय 6 इस इंटरवल में आ रहा है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप ऐसा करिए तो साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाय 6। अब प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर है और प्रिंसिपल रेंज के अंदर है तो यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं थीटा, तो यहां से साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आइडेंटिकल फंक्शन है और यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का पाई बाय 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये प्रिंसिपल वैल्यूज का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 2 और 3 दोनों सिमिलर हैं, तो आप एक बार ट्राई जरूर करें, नहीं आ रहा है उसके बाद कंटिन्यू समझे इसको। तो कॉस इनवर्स रूट के अंदर 3/2 है, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है, ये जरा आपको याद होना चाहिए, कॉस की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है, कॉस 30 डिग्री पर होती है। तो हमने यहां लिखा कॉस पाई बाय 6, 30 डिग्री पर जो है कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3/2। अब इसके लिए भी आपको कॉस का इंटरवल पता होना चाहिए, रेंज का प्रिंसिपल रेंज का इंटरवल क्या होता है, 0 to π/0 to π। तो इस बीच में आ रहा है कि नहीं, ये पाई बाय 6 बिल्कुल आ रहा है 30 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में रेंज में लाई कर रहा है। तो यहां भी प्रॉपर्टी होती है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा अगर हो और थीटा यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज के अंदर हो तो आंसर क्या आएगा, आपका थीटा आएगा, मींस इसका आंसर भी क्या हो गया, यहाँ से पाई बाय 6 हो गया। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू इसके लिए आ गई है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है, कोसेक इनवर्स 2। तो आपको कोसेक इनवर्स का भी पता होना चाहिए भाई, प्रिंसिपल इंटरवल क्या था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था इसका प्रिंसिपल रेंज, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और माइनस था इसमें 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो कोसेक इनवर्स, यहाँ पर कोसेक इनवर्स की वैल्यू 2 कब होती है, 30 डिग्री पर, तो हम लिख सकते हैं कोसेक पाई बाय 6। वैल्यूज तो सारी आपको याद होंगी, अगर नहीं याद है तो रिवीजन जरूर करें, वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए। कोसेक इनवर्स यहाँ पर क्या आ गया, पाई बाय 6, यहाँ पर कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, सेम रूल रहेगा, तो यहाँ बचेगा पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 इंटरवल में लाई कर रहा है तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। तो अगेन हमने 3 क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो फिर समझिए क्या करना है, tan इनवर्स माइनस रूट 3 यहाँ पर हमें दिख रहा है, tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है, 60 डिग्री पर होती है tan की वैल्यू रूट 3। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं tan 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। सिंस वी नो दैट tan पाई बाय 3 इज रूट 3, बट यहां तो क्या है, माइनस का रूट 3 है। अब tan का प्रिंसिपल रेंज इंटरवल आपको पता हो तो बताइए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, ये होता है tan इनवर्स का रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन आगे, ये माइनस की प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, अगेन सिंस वी नो दैट tan थीटा जो है tan माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी
इसका पाई बाय थ्री लिख दे रहे हैं उसको, ये तो लिख दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेन वर्सेस टेन कैंसिल तभी होगा जब जो आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा है। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, माइनस का 60 डिग्री, ठीक है, माइनस का 60 डिग्री आ रहा है, तो माइनस 60 डिग्री प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है क्योंकि माइनस 90 से प्लस 90 का रेंज है। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस का पाई बाय थ्री, और आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, सिंस टेन इनवर्स टेन थीटा जो है वो थीटा होता है, अगर थीटा जो है लाई कर रहा है प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, माइनस का पाई बाय थ्री। अब हम आते हैं फिफ्थ पर, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू। तो आप बताएं भाई कॉस इनवर्स जो है माइनस वन बाय टू कब होता है, तो उसके लिए कॉस वन बाय टू कब होता है, 60 डिग्री पर होता है 1 बाय 2, मीन्स कॉस पाई बाय 3 जो है, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1 बाय 2, ठीक है। बट ये माइनस का क्या करें, यहाँ माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है, हमने सबसे पहले एग्जांपल में भी इसी को डिस्कस किया था। तो माइनस कॉस थीटा है, अब अगर हम बोलते कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था ऐसे कर दीजिए, तो कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। तो माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अगर आपने क्वाड्रेंट्स वगैरह पढ़े हो तो वहां पर ये चीज आपको सिखाई गई होगी कि कॉस पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, साइन और कॉसेक के अलावा सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस का कॉस थीटा आएगा। तो माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, जो हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब इससे ये क्या वैल्यू देगा, कॉस इनवर्स कॉस इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 2π/3। अब ये प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, 2π/3 को आप सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा भाई 2π/3, और ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल रेंज यहाँ पर होती है 0 to π, यानी कि 0 से 180 डिग्री, तो इस बीच में यहाँ पर 2π/3 आता है या नहीं, 2π/3 मतलब कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इस बीच में लाई कर रहा है मतलब सही है। तो यहाँ से cos inverse से cos cancel और ये आएगा 2π/3। आप यहाँ लिख सकते हैं since cos inverse cos theta is equal to theta, अगर यहाँ थीटा जो है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो दैट मींस जो आंसर आ गया हमारा वो क्या आ गया 2π/3। ये फिफ्थ नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर है 2π/3। तो ऐसे हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे टेन इनवर्स माइनस वन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रिंसिपल वैल्यूज आ रही है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे करेंगे हम। टेन इनवर्स माइनस वन, हमें याद आया कि टेन की वैल्यू वन होती है, 10 पाई बाय 4 पर 10 जो है वैल्यू 1 देता है, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 10π/4, ठीक है। अगेन हमें फॉर्मूला ध्यान आया कि 10 जो है 10 माइनस थीटा होता है, माइनस का 10 थीटा, तो इसकी हेल्प से हमने इस माइनस को अंदर लिखा 10 इनवर्स 10 माइनस का पाई बाय 4। अब 10 से 10 कैंसिल तो हम करते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो माइनस पाई बाय 4 है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 10 की प्रिंसिपल रेंज आपको पता होनी चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में होती है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली यहां पर आ रहा है, तो आंसर आ गया माइनस का पाई बाय 4। तो और क्वेश्चंस किए हमने, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, यहाँ पर sec इनवर्स 2 बाय √3, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो sec की वैल्यू बताइए 2/3 कब होती है, अगर आपको नहीं याद है तो आप cos की बताइए, cos की वैल्यू जो है √3/2 कब होती है, cos इनवर्स √3/2, या फिर आप लिख सकते हैं कि cos की वैल्यू जो है √3/2 कब होती है, पाई बाय 6 पर होती है √3/2, ठीक है। तो कॉस का उल्टा sec होता है, तो sec की वैल्यू यहाँ पर 2/√3 कब होगी, पाई बाय 6 पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sec पाई बाय 6। अब sec और cos दोनों के लिए जो प्रिंसिपल इंटरवल है वो लगभग सिमिलर है, यहाँ पर 0 to π आता है, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल इंटरवल प्रिंसिपल रेंज, और
इनवर्स रूट थ्री है। तो रूट थ्री अगर आपको कॉट की वैल्यू जाननी है, अगेन हम क्या करेंगे, आप पता करिए कि टेन की वैल्यू रूट थ्री कब होती है। तो टेन 60 डिग्री जो है वो होता है रूट थ्री, ठीक है, टेन 60 डिग्री रूट थ्री होता है। बट अगर टेन के उल्टे पे जाएंगे तो यहाँ पर कॉट में चेंज हो जाता है। तो टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री थी तो यहाँ पर कॉट में चेंज हो जाता है, इसलिए टेन से आप कंपेयर ना करें तो ही बेटर है, टेन का जस्ट अपोजिट रहता है ये। तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, कॉट की वैल्यू रूट थ्री होती है पाई बाय 6 पर, यानी कि कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री जो होता है वो होता है रूट थ्री, जबकि टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो आप उसके उल्टे से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो cot inverse cot pi by 6, अब cot का भी जो इंटरवल आपको बताया गया वो 0 टू पाई है प्रिंसिपल रेंज, तो यहां से cot inverse cot pi by 6 तो आपका आंसर क्या आएगा, pi by 6 ये प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो उस केस में यही है कि आप इसका उल्टा लीजिए, यानी कि 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पर, इसका मतलब जो है cot की वैल्यू रूट थ्री होगी 30 डिग्री पर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम 9 डिस्कस करते हैं। 9th में cos इनवर्स माइनस का 1/√2 है, तो cos की वैल्यू हमें याद आएगी सिंस cos pi by 4 होता है 1/√2, ठीक है, cos की वैल्यू pi by 4 होती है 1/√2, तो हमने इसकी जगह लिख दिया cos pi by 4, ठीक है, बट ये माइनस प्रॉब्लम दे रहा है। अगेन कॉस में आपको ध्यान हो तो माइनस जो है कैसे सेटल करना होता है आपको कॉस में, इसको हमें लिखना होता है कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो इससे हमने लिखा कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, और इसे सॉल्व कीजिए तो ये कितना बचेगा, कॉस 3π/4 बचेगा, ठीक है। 3π/4 आपको प्रिंसिपल रेंज के अंदर आना चाहिए, भाई प्रिंसिपल रेंज इसकी क्या होगी कॉस की, 0 टू पाई, तो बिल्कुल आ रहा है इसके अंदर, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 और समझ लीजिए, 10 में क्या होगा, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, तो 45 की वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स, कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू होती है माइनस का रूट टू, सॉरी प्लस का रूट टू, तो हमने ऐसा लिखा। अब ये माइनस को कैसे सेटल करना है आप समझते ही हैं, साइन और कोसेक में क्या होता है, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो कोसेक में भी यही होगा, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोसेक थीटा, तो आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है माइनस का कोसेक थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का कोसेक माइनस थीटा, तो लिखिए कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाय 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 4। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह। हमने 2 क्वेश्चंस और लिए 11 एंड 12, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरी टर्म की, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, tan इनवर्स 1, अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan पाई बाय 4 पर, tan पाई बाय 4 जो है वो 1 होता है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर tan पाई बाय 4। cos इनवर्स माइनस 1/2 है, बट हमें याद नहीं माइनस 1/2 कब होता है, तो 1/2 को तो याद है, 1/2 कब होता है, तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर, मींस हम यहाँ क्या लिखेंगे, cos पाई बाय 3, cos 60 डिग्री जो है 1/2 होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा cos पाई बाय 3, प्लस sin इनवर्स, अब sin की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर, तो यहाँ क्या लिखना है हमें, sin पाई बाय 6। तो यहाँ तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बड़ी इजीली, क्योंकि प्रिंसिपल इंटरवल में भी लाई कर रहा है ये, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5/4। अब यहाँ ये जो माइनस है इसको सेटल करना पड़ेगा, तभी कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो पाएगा, और वो भी प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर अगर आप सेटल कर पाए तो। तो ये माइनस को हम यहाँ से हटाने का तरीका देख चुके हैं कई क्वेश्चंस में, कॉस में हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम कि कॉस में क्या होता है, कॉस में पाई माइनस थीटा करने पर माइनस का कॉस थीटा, तो अगर माइनस कॉस थीटा है तो इसे ऐसा लिखेंगे हम कॉस पाई माइनस थीटा, जो कि हमने यहाँ किया, और साइन
वाले केस में क्या होगा भाई, साइन वाले केस में अगर माइनस है तो इसे साइन माइनस थीटा लिख देंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा डायरेक्टली माइनस साइन थीटा इक्वल होता है, तो ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, इसे सॉल्व करिए तो ये बचेगा 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाय 6। जरा देखिए ये प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है और नहीं, तो 2 पाई बाय 3 कॉस का प्रिंसिपल इंटरवल क्या होता है, कॉस का प्रिंसिपल इंटरवल था 0 टू पाई यानी 0 से 180 डिग्री, और 2 पाई बाय 3 कितना होता है 120 डिग्री, एब्सोल्युटली यहां पर लाई कर रहा है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 पाई बाय 3। सिमिलरली माइनस पाई बाय 6 भी लाई करता है क्योंकि इसका इंटरवल है साइन का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आपको प्रिंसिपल रेंज जरूर याद होनी चाहिए, तो यहां लिख देंगे माइनस का पाई बाय 6। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ रहा है कितना 12, 4 3 से 12 और 3 4 से 12 तो 8 पाई हो जाएगा, 6 2 से 12 तो फाइनली यहां से आ गया 9 पाई अपॉन 12, 3 से कैंसिल हो रहा 3 3 से 9 3 4 से 12 तो ये आपका आंसर आ गया 3 पाई बाय 4। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब 12 डिस्कस कर रहे हैं, नोट जरूर करते चले, प्रॉपर नोट्स बनाए आप। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखिए, 12 तो कंपैरेटिवली बहुत इजी दिख रहा है हमें, cos इनवर्स 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos पाई बाय 3 पर cos 60 डिग्री पर, अभी भी हमने लिखा था फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए, प्लस 2 sin की वैल्यू 1/2 कब होती है, sin पाई बाय 6 पर sin 30 डिग्री पर। यहां पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, यहां पर भी sin से sin कैंसिल हो जाएगा और ये 2 3 से 6 तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ये आ गया आंसर, नोट कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चंस देख रहे हैं हम और इसमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x दे रखा है y और यहां पर हमें बताना है कि देन y जो है किस इंटरवल में लाई कर रहा है। कई बार तो हमें ये ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आता लोगों को कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। बढ़िया, क्लियरली देखिए sin inverse x मतलब आउटपुट इक्वल टू y, कि sin inverse x की जो वैल्यू है वो y है, मींस जब आप sin inverse x को सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है, जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है वो यहां पर y है। y आपको मतलब यहां देखना है ध्यान कि y इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin inverse x, तो आपको साइन इनवर्स का प्रिंसिपल इंटरवल देखना है। तो बताइए कौन सा है इनमें साइन इनवर्स का इंटरवल, कौन सा समझ आ रहा है आपको, बी वाला जो है साइन इनवर्स का प्रिंसिपल इंटरवल है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान रहे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज आपको बताई गई है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि इक्वल, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा क्लोज इंटरवल है, इसलिए y belongs to minus pi by 2 to pi by 2 और इसका मतलब यही होता है कि minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में y lie कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इक्वल के साइन आएंगे, also included minus pi by 2 and pi by 2। अब आते हैं 14 नंबर वाले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, समझिए क्या है इसमें। tan inverse root 3, tan inverse root 3 और माइनस का sec inverse माइनस 2, तो tan की वैल्यू root 3 कब होती है भाई, tan की वैल्यू root 3 होती है 60 डिग्री पर, तो हमने क्या लिखा 10 pi by 3। अब sec की वैल्यू माइनस का तो पता नहीं, लेकिन 2 कब होती है, 2 sec की वैल्यू 2 होती है sec pi by 3 पर, पाई बाय 3 मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री पर, तो sec 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो 2 होती है। अब बट माइनस है तो माइनस को सेटल करना है आपको, यहाँ तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर है, और यहाँ इसको अपन कैसे जो है माइनस को हटाएंगे, इसको पाई माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम इसमें, तो sec पाई माइनस थीटा जो है माइनस का sec थीटा होता है,
और यहाँ से x से कैंसिल भी कर सकते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बचेगा 2π/3, तो यहाँ पर से x से कैंसिल हो जाएगा सेकंड वर्सेस है और 2π/3 बचेगा। एलसीएम लीजिए तो ये पाई माइनस 2π, फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस का π/3। तो कौन सा ऑप्शन है? बी।